सुन सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे और संख्या सब पढ़ लिए हम लोग। जैसे मान लीजिए जो था मैंने वास्तविक संख्या में जो जो था है ना, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, रामानुजन संख्या है ना, चाहे प्रवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या जो भी था वो हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा बच गया क्या चीज, जैसे बताए थे कि संख्या मन मुक्ता दो तरह होता है, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक में तो आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर है ना। क्या चीज? इमेजिनरी नंबर। वो ऐसा संख्या है जिसका हम लोग कल्पना करते हैं, वो वास्तविक संख्या नहीं है। क्या है? वो वास्तविक संख्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, है ना। तो इसमें आएगा सवाल, पूछता है, सवाल पूछता है परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछता है कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है ना, कि ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है, जो काल्पनिक है, जो कल्पना किया जा सकता है ना। जो इंटर ज्यादा पढ़ना है तो आते हैं, और क्या परिभाषा उसका है, उसका और परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर न धनात्मक आवे न जीरो आवे, क्या आवे तो ऋणात्मक आवे। तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या कहते हैं ना। प्रमेय है ना, न प्रमेय संख्या है ना, अप्रमेय संख्या ही माने अवास्तविक संख्या है, इसका नाम है इमेजिनरी, कल्पना किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा है ना, अवास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे हम लोग, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं है ना। अगले क्या कहेंगे, व्हाट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन है, उसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, कौन परिभाषा लिखे, परिभाषा दो तीन तरह से है, जो अच्छा लगे अपना यूज कीजिएगा। हम लोग क्या लिखे, वैसी संख्या, सब लिख देते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका जिसका वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, वर्ग करने पर धनात्मक, धनात्मक संख्या या जीरो नहीं आती हो, कौन संख्या नहीं आती हो, धनात्मक संख्या या जीरो, ये दोनों संख्या नहीं आती हो, आती हो है ना, या इसको क्या कर रहे हैं, अर्थात क्या है ना, ये लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात ऋणात्मक संख्या, क्या है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो वर्ग करने पर है ना। कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या जीरो नहीं आती हो, अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती हो, क्या होती हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती हो, उसे अवास्तविक, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं है ना। जैसे जैसे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, अभी इतने ही जानिए है ना, इतने ही जानिए, इसको बढ़िया जान लीजिए, वैसी संख्या जिसका है ना, कौन संख्या, वैसन संख्या जो ना के वर्ग कर जाओ तो धनात्मक ना आवे ना जीरो आवे, ना धनात्मक आवे ना जीरो, का आवे तो ऋणात्मक संख्या वे, ऋणात्मक संख्या वे, वो करे के हमने कहल अवास्तविक संख्या कहल जाए है ना। तो अवास्तविक संख्या एक दूसरा परिभाषा क्या बा, कि वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या न हो, वास्तविक संख्या न हो, कल्पना किया जा सके, दूसरा तरह से कह सके जान के, कि वैसन संख्या जो वास्तविक संख्या न हो जिसके बारे में कल्पना किया जा सके उसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो दो तरह से परिभाषा हो सकेला, कोई जैसे भी याद करी जाए, जैसे याद हो जाए उसे याद कर लेगा है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे याद हो जाए वैसे याद कर लेगा, जैसे समझ में आवे, ऐसे ना कि ना हो याद कर ली,
ना अपन से कोशिश करे समझ के अपन से परिभाषा बनाए के बाद कहा जाए खोज तो खोज में जानी बा अपन मंथन सागर करे के बा खोज करे के बा तो अवास्तविक संख्या देख लें जाए अब में यह होता कि कौन कौन अवास्तविक संख्या होला कैसे कैसे लिखा रहला है ना तो अवास्तविक संख्या में आते हमें देखते जा एगो वैज्ञानिक रहन आइलर वैज्ञानिक रहन गणितज्ञ रहन आइलर वो आयो आयोटा के मैंने बतले रहन मैंने प्रतिपादित रहन आयोटा चिन्ह ओकर अर्थ मतलब रहे रूट माइनस वन देख लें जा तो जैसे मान लो हई रहे अगर एक वर्ग करते जा माने रूट के अंदर माइनस बा रूट के अंदर माइनस बा अगर वर्ग करते जा हमने के एक वर्ग कितना आई तो हमने के समझे ना तीन तीन से कहली तो नौ आ जाए ना चाहे तीन आई धन माइनस माइनस प्लस हुई लेकिन ना माइनस प्लस ना हुई कैसे ना हुई एक आ जाए माइनस तीन आई कैसे माइनस तीन आई तो देख लो जा रूट के मतलब होला का है जदिल बा तो रूट के मतलब होला घातांक कहला रूट के मतलब होला एक बटा दू घातांक रूट जब हट जाए तो माइनस तीन पर एक बटा दू घातांक बा और का बा बढ़िया समझे बा एक स्क्वायर बा का बा स्क्वायर बा कैसे माइनस तीन है एक बारे में समझ लो एक बार कि फिर दिक्कत न कि ना माइनस तीन कैसे आ गई हनु तो माइनस तीन तो का बा माइनस तीन के घातांक एक बटा दू बा तो दू बार बा तो माइनस तीन घातांक एक बटा दू हो जाए तो गुना में घातांक का होला गुना में घातांक जोड़ा ला तो माइनस तीन एक बटा दू जोड़ घातांक का जोड़ा जाए घातांक जोड़ा जाए तो कितना हो जाए माइनस तीन पर दू के लगतम दू आ दू एकम दू आ दू एकम दू तो माइनस तीन पर कितना हो जाए घातांक दू बटा दू 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 कट जाए तो क्या हो जाए एक बाची एक मतलब क्या हो जाए माइनस तीन आगुल क्या गुल माइनस तीन आगुल तो यही तरह से देख लीजिए माइनस तीन आगुल प्लस अब ना करी तो ये तरह से और एग्जाम्पल हो जाए कौन संख्या जैसे मान लो फाइव है ना पांच आयोटा 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 के आई से कहला तो देखे में लगा था कि ना ये मैंने क्या बा मैंने ये बा वास्तविक संख्या लेकिन ना वास्तविक संख्या आयोटा का मतलब होला कैसे लिखा जाए पांच गुने रूट माइनस वन आयोटा का मतलब होला रूट माइनस वन अगर गुना करते जाए कितना आ जाए है ना कितना आ जाए तो कितना आ जाए मैंने गुना कर लिया तो माइनस पांच आ जाए कितना जगह स्क्वायर कर लीजिएगा अगर एक स्क्वायर कर जाओ तो कितना आ जाए तो पाँच है पच्चीस है ना एक कर लीजिए तो क्या माइनस एक तो माइनस पच्चीस आ जाए है ना तो कहने का मतलब कि का आई मैंने स्क्वायर कर लीजिए तो माइनस ऋणात्मक आई कई ऋणात्मक आई कौन से खेल लीजिए है ना और लेते जा रूट के बाहरी माइनस ना रही अगर रूट के बाहरी माइनस रही तब तो वास्तविक हो जाए है ना रूट के अंदर माइनस रही आ देखो बड़े समझा दिल बनी ऐसे कोई दिक्कत ना हो चाहिए कैसे माइनस तीन आ गई है ना रूट के मतलब क्या होला तो एक बटा दू मैंने कोई संख्या में घटा एक बटा दू होला तो वैसे हम समझ जा और आयोटा में कौन आ जाए अगर साथ में आयोटा लगा रही जैसे लिखा रही आयोटा सात क्या लिखा जाए क्या स्क्वायर कर लिए क्या हो जाए आयोटा का मतलब हो गई माइनस एक नौ अगुना सात और स्क्वायर कर लिए कितना आ जाए तो एक माइनस एक आ जाए एक आ जाए सत उनचास हो जाए तो क्या हो जाए माइनस उनचास हो जाए है ना कोई और संख्या लेते जाए जैसे मान के लेते जाए रूट चार तो कहल जी कि ना चार पूर्णतः मैंने कम्प्लीट वर्गमूल बा लेकिन ना एक अंदर माइनस चार बा क्या बा माइनस चार बा जैसे मान के माइनस चार ले जा तो माइनस चार क्या होला दू होला लेकिन एजा माइनस चार दू ना हो क्या हो अगर स्क्वायर कर जाइए कितना आ जाइए तो माइनस चार आई माइनस का आई चार आई कैसे आई देख लेते हैं जा समझ ले उसे समझ लगे बा उसे समझ लगे बा माइनस चार कहता क्या हो गया एक बटा दो हो गई है ना तो एक हम के गुणनखंड कर सकते जा दू गुने दू बाहरी माइनस दे दिया आ कितना हो जाए मैंने एक घातांक कितना हो जाए एक बटा दू एक घातांक हो जाए एक बटा दू तो दू पर घातांक दू बा है ना माइनस बाहरी चीज बा माइनस बा आ बाटा एक बटा दू हो जाए तो दू दू कट जाए तो कितना आ जाए माइनस दू पे एक यानी माइनस दू आ गई तो एक तरह संख्या समझ में जा है ना कि अवास्तविक संख्या कैसे बा मैंने कोनो संख्या के वर्ग कल जाए तो ऋणात्मक आई का आई ऋणात्मक आई सब ऋणात्मक में आई है ना तो ये हर संख्या क्या बा हर संख्या नहीं खे हर संख्या अवास्तविक नहीं खे है ना जो ना संख्या के वर्ग कल जाए तो ऋणात्मक आई
तब है सब संख्या कहल क्या अवास्तविक बा है है मैंने माय माय रूट माइनस चार अवास्तविक बा आयोटा सात इहो बा है ना पांच आयोटा इहो बा रूट माइनस तीन इहो ये सब क्या बा अवास्तविक बा है ना क्या भाई अवास्तविक बा अवास्तविक है नहीं है ना ये तो वास्तविक संख्या माइनस दू भइल माइनस तीन भइल माइनस ये सब वास्तविक संख्या बा लेकिन वर कैला पर आवे थे ना है ना तो हमें समझे का ये है कि है अवास्तविक संख्या बा है ना जौना संख्या के वर कैला पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होके ओकरा के अवास्तविक संख्या कहल जाय तो इस तरह समझ के अवास्तविक संख्या के बारे में बढ़िया समझ जा आयोटा के मतलब समझ जाके कि आयोटा के मतलब क्या होला आयोटा के मतलब क्या होला आयोटा का मतलब रूट माइनस वन होला है ना आयलर वैज्ञानिक जो थे वो ये कहते थे प्रदत्त के थे किसका मान हम लोग रूट माइनस एक रखेंगे रख के हम लोग ज्ञात किए तो सब क्या है अवास्तविक संख्या है तो अवास्तविक संख्या के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझे और आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना आगे पढ़ना है लेकिन आज हम लोग इतना ही जानेंगे कि अवास्तविक संख्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मनोवर करने पर क्या धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा इस तरह हम लोग समझ गए और इसको भी आप लोग विचार मंथन कीजिएगा और खोज कीजिएगा आगे अच्छा आज इतना ही जय हिंद जय भारत।